तो महोदय, आज हम लोग का तिलंगा पारिश में संत मोनी का पर्व मनाया गया, तो इसमें खाना पीना दिए, तो कैसे लगा? आज का मोनी का त्यौहार में खाना पीना सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब्जी भाजी जो भी था सब सबके लिए पर्याप्त रूप से मिला और बहुत अच्छा खाना बनाए थे। ये बनाने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और खाने वालों को भी। इसमें कुछ बच भी जा रहा था लेकिन अभी खाने वाले कम हो गए, फिर भी अभी बहुत बचा होगा। हाँ वैसे है लेकिन खाने वाले दिखा देंगे, कुछ कम ही है, बच सकता है। तो इस बार तो महिलाओं के लिए था, महिला बच्चा और बच्ची इनके लिए था। अगले साल से देखते हैं, अगर जम जाएगा तो सबके लिए देने की कोशिश करेंगे कि हाँ वो तो और अच्छा होता सबके लिए देने से। अच्छा इंटरव्यू चल रहा है, तो जैसे क्या सोचते हैं आप, अगले साल के लिए देना चाहिए कि नहीं? वो तो आप ठीक बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए केवल दिए तो सबके लिए देने से और अच्छा होता, लेकिन बात यह है कि इसमें जो देने वाला में था चार ही लोग दिए, तो अगले साल के लिए अगर ज़्यादा लोग देते तो सबके लिए हो जाता। हाँ तो अगले साल कोशिश करेंगे ये और भी इसमें संगठन करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए और इस त्यौहार को अच्छी तरह से धूमधाम मनाने के लिए। अब तो शुरू कर दिए हैं, अब तो शुरू हो गया, अब तो हर साल इसी प्रकार आशा रहेगा सबके लिए चलता रहेगा। तो धूमधाम से मनाए हम लोग आज। धन्यवाद सर, धन्यवाद आप लोगों का सुझाव के लिए, बहुत धन्यवाद। अभी भी मूली का सलाद वाला ये बचा है, अभी भी मिर्चा भी बचा है, इधर सब्जी भी बच गया है, दिखा दो उधर, खाना भी थोड़ा बचा है। लेकिन हम लोग को इतना अंदाजा नहीं था कि इतना सब कुछ मतलब अच्छा से हो जाएगा, इसलिए हम लोग भी थोड़ा डर गए, लेकिन सब ठीक है, शुरुआत था। इतना ही बोल रहा हूँ मैं, बोलना चाहते हैं और कुछ बोलेंगे? तो आप लोगों का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पारिश में चार चांद लगा दिए और मोनी का त्यौहार के उपलक्ष्य में आज ही से शुरुआत हुआ खाने पीने का इंतजाम करने के लिए। आप शुरू हो गया, इस तरह से अगले साल भी या तो निरंतर चलते रहेगा। तो सुशील कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना तो क्या चाहेंगे कि धन्यवाद, जो चार सदस्य जो इतना बड़ा प्रोग्राम चलाने के लिए इच्छुक हुए उनको तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि अगले साल कैथोलिक सभा के जितने भी सदस्य लोग मिलकर अगले साल धूमधाम से मोनी का पर्व मनाने के लिए सबों को लेके चलना पड़ेगा, सबों को देना पड़ेगा। आज तो सिर्फ महिला बच्चे लोग थे, अगले साल कैथोलिक सभा के सभी सदस्य और बाहर से जितने भी आते हैं उन लोगों को भी खाना खिलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो इतना बड़ा सहयोग देने के लिए जो आगे आए हैं, तो हमारे चार सदस्यों का नाम है, जो सर्वप्रथम तो विमल को धन्यवाद देना चाहूँगा, उसमें से एक सदस्य है, और दूसरा में है आनंद खलखो, और तीसरा में अनूप क्रिकेटर, और चौथा में सुरेश खलखो। मैं इनको तो सबसे पहले गाढ़ा गाढ़ा प्रणाम करता हूँ, और इनकी सोच और विचार में जो इतना अच्छा लेके आए हैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ महिलाओं के लिए हम इतना कुछ करना कर रहे हैं, तो बाबा पर्व के लिए महिलाएं भी ऐसे ही मर्दाना लोगों के लिए कुछ सहयोग करते हैं, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ ऐसा मैं कि और भी बेहतर होता, महिलाओं लोग तो अच्छा से करके देंगे ऐसा उम्मीद है। इसके लिए मैं विमल के चैनल के थ्रू से मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने भी अभिभावक हैं उनके पर्व के लिए महिलाएं भी कुछ कुछ करने की कोशिश कीजिए, ताकि एक एक कप चाय ही सही। तो वो लोग के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मेरे को लगता है अगर हम लोग इतना कर दिए तो महिला लोग हम लोग से ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे? हाँ करेंगे, महिला लोगों का दिल बहुत बड़ा है, छोटी सी हम लोग की मांग को पूरा कर सकते हैं।
हम लोग उतना दूर अनजान लड़की को देखने जाते हैं, घर बार छोड़ के आते हैं, और खाना देने नहीं सकेंगे, सक लेंगे यार। सही बात है। तो कैसे करेंगे अगले साल के लिए, क्या बोल रहे हैं? अगले साल के लिए कैथोलिक सभा अध्यक्ष और अभी जो चार सदस्य हैं, इन लोग भी अपने तरफ से बोले थे कि बढ़िया बढ़िया दिन, बढ़िया बढ़िया साल रहा तो बंडा की ओर जाने की कोशिश करेंगे, सोच रहे थे। अगले साल के लिए तो वो सोच अच्छा रहे और अच्छा अच्छा दिन रहे तो संभव होगा, कोशिश रहेगा, देंगे नहीं बोल रहे हैं, कोशिश रहेगा। अगर दिन और सबकी सबका तबीयत स्वास्थ्य बढ़िया रहा, सबका सलाह मशवरा बढ़िया रहेगा तो ज़रूर देंगे। तो इतना ही कहकर मैं हमारे विमल साहब के लिए, मैं तो सब बोलने के लिए यहाँ हमारे कैथोलिक सभा के और एक सदस्य हैं, इससे भी पूछना चाहूँगा क्या कुछ बोलेंगे। कुछ बोलो सर, कुछ बोलिए सर। हाँ बताइए, कैसे लगा आज का त्यौहार, मोनिका पर्व बोला और खान पान? खुशी का त्यौहार था सर आज, खुशी का दिन तो खुशी ही रहेगा, अच्छा से अब खुशी का दिन तो था ही, लेकिन और हम आप लोगों का सहयोग से और अच्छा खुशी हो गई। जितना महिले थे आए थे तब खुशी खुशी हंसते हुए धन्यवाद बोल के अपने अपने घर चले गए। अच्छा, पुरुष लोगों के लिए तो नहीं था व्यवस्था? इन साल शुरुआत था तो कुछ लोग खाए, कुछ लोग बचे, उनके लिए उनको धन्यवाद बोल के भेजे हैं। तो अगले साल क्या बोलते हैं? अगले साल आप कोशिश करेंगे, अगले साल में कैसे स्थिति रहेगा सबके लिए, कैसे रहेगा सबके लिए, अच्छा से मौसम रहेगा, अच्छा से मतलब व्यवस्था हो जाएगा तो सबके लिए कर सकते हैं, लेकिन अब आने वाला समय ही बताएगा। यहाँ एक महिला है, इससे पूछते हैं कि आज का हम लोग का खान पान जो दिए कैसे लगा इनको, अच्छा लगा? अभी घर जाके ये लोग खाना बनाते खाते पीते टाइम लग जाता, तो एकदम बने बनाया मिल गया, तो ये लोग कैसे अपने आप क्या महसूस, क्या महसूस करना कर रहे हैं अपने, कुछ बोलिए। आज हम लोग बहुत खुश हैं, मतलब ये पहला पहल था, इसके पहले हम लोग को हर साल तो संत मोनिका दिवस मनाते आ रहे हैं, पर ये फर्स्ट टाइम था कि तिरंगा में महिलाओं को कैथोलिक सभा के सदस्यों के द्वारा खाना का व्यवस्था किया गया। हम लोग बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। अच्छा, तो सुशील और कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो सभी माताओं को मैं कहना चाहूँगा कि कुछ खातिरदारी में कमी या कुछ त्रुटि या कहीं किसी को नहीं हुआ, यानी कहीं नहीं पहुंच भी पाया होगा, अगर उस स्थिति में आपके दिल में दुख या चोट कुछ भी हो, तो हम लोग कैथोलिक सभा की ओर से, जितने भी सदस्यों की ओर से क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट ईयर करेंगे तो बढ़िया करेंगे, सबके लिए करेंगे। इन साल जल्दबाजी में शायद किसी को चोट भी लगा होगा, किसी को पहुँचा नहीं पहुँचा, अभी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नाराज नहीं होंगे, मुँह से सुनने में बाद में मिलेगा। उससे पहले ही हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग दिल मत रखिए, आगे आइए, नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे, इसी में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कहीं अगर नहीं पहुंचा या कहीं त्रुटि हो गई होगी तो हम लोग कैथोलिक सभा के सभी सदस्यों की ओर से क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा।